अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। विनेश फोगट एक भारतीय पहलवान है जो अपने चचेरे बहन गीता फोगट और बबीता कुमारी दोनों अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं के साथ कुश्ती की सफल पृष्ठभूमि से आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके दोनों चचेरे बहन 50 kg बार में सोना पदक जीते हैं। उन्होंने एशियन गेम्स 2018 में सोना पदक जीते हैं। तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। उनका जन्म 25 अगस्त 1994 को भारत के हरियाणा में बाराली में हुआ था। उनके पिता का नाम राजपाल सिंह फोगट है। अपने चचेरे भाई और खुद को प्रतिस्पर्धी कुश्ती का पीछा करने की इजाजत देने में उनके पिता और चाचा को हरियाणा के अपने गांव में समुदाय से भारी दबाव और विपक्ष का सामना करना पड़ा। उनके चचेरे बहन ऋतु फोगट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवान है और 2016 कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में सोना पदक जीते हैं। उन्होंने KCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कल्याण हरियाणा में पढ़ाई की है। उन्होंने MD रोहतक हरियाणा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2013 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप नई दिल्ली भारत में टूर्नामेंट में विनेश ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 51 kg बार में ब्रॉन्ज पदक जीते थे जो थाईलैंड के थोकाय सिपा के रिपीटेड राउंड के माध्यम से ब्रॉन्ज पदक के मुकाबले में 3-0 जीत गए थे। पहले राउंड में विनेश ने जापान के नाना मेरी के खिलाफ 3-1 से जीते थे। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में कदासन के रतनामंजल से 1-3 से हार गए जो फाइनल में क्वालिफाई हो गए और भारत का ग्रैपलर रिपीटेड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित एक विशेष टूर्नामेंट में विनेश ने दूसरे स्थान पर आए और नाइजीरिया के ओडुनई ओडुकरियो के अंतिम दौर में हराने वाले महिला फ्री स्टाइल 51 kg श्रेणी में सिल्वर पदक जीते थे। विनेश ने ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला फ्री स्टाइल 48 kg बार में भारत का प्रतिनिधित्व किया और स्वर्ण पदक जीते। क्वार्टर फाइनल में विनेश को नाइजीरिया के रोजमरी नोए का सामना करना पड़ा और उन्हें 5-0 से हराए। उनके सेमीफाइनल प्रतिद्वंदी कनाडा के जस्मिन मियान थे जिन्हें उन्होंने 4-1 से हराए थे। स्वर्ण पदक मुकाबले में उन्हें इंग्लैंड के याना रतिगन का सामना करना पड़ा और उन्होंने स्वर्ण पदक जीते जिससे उन्हें 3-1 से हराए। दक्षिण अफ्रीका के इंचोन के खेलों में विनेश ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 48 kg बार में ब्रॉन्ज पदक जीते थे। 16 राउंड के दौर में विनेश को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से योगमी पाक का सामना करना पड़ा और उन्हें 3-1 से हराए। उनके क्वार्टर फाइनल विरोधी उज्बेकिस्तान के डॉलर भाई की आक्सी मुरोतबा थे जिनकी वह 5-0 स्कोर लाइन के साथ आसानी से खत्म हो गई। सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के एरिटोसागा से 1-3 से हार गए लेकिन ब्रॉन्ज पदक के लिए क्वालिफाई किए और मंगोलिया के नारंगरेडर सुख को हरा कर रेफरी ने बाउट को रोक दिया। दोहा में 2015 एशिया चैंपियनशिप में फोगट ने जापान की युकीरी से फाइनल हारने के बाद अपनी श्रेणी में सिल्वर पदक जीते। इस्तांबुल में आयोजित 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में उन्होंने पोलिश पहलवान इवाना माटकोवस्का को हरा कर फाइनल राउंड में जीते और इस प्रक्रिया में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए। रियो में 2016 समर ओलंपिक में विनेश क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और घुटने की चोट के कारण चीन के सन यानान से हार गए। विनेश फोगट ने गोल्ड कोस्ट में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 50 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते। विनेश फोगट ने 2018 एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीते और एशिया खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गए। फोगट ने महिलाओं के 50 kg फ्री स्टाइल कुश्ती स्वर्ण पदक मैच में जापान की युकी इरी को हराए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।